Hi, I'm Sara Khan. Hi, I'm Shantanu Raje. Subscribe to Siddharth Karan's channel right now. And press the bell icon. मुझे genuinely बताओ कौन किसके पीछे पड़ गया था? तुम ही बता दो ये. मैं ही बता दूं क्योंकि ये तो हमेशा झूठ बोलेगा. जब पीछे पड़ा था उस टाइम पे देखो आप और अभी 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 झूठ बोलता है हर जगह कि ये पीछे पड़ी. बट यस, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा था. वी बोथ लाइक्ड ईच अदर. और उसके बाद इसने मुझे जब प्रपोज किया था, आई टुक सम टाइम एंड देन ऑब्वियसली लड़कियों का होता है ना, थोड़ा लेना चाहिए हमको, थोड़े भाव खाना चाहिए. सो आई डिड दैट एंड देन पड़ गई. बताओ प्रपोज माने तुम लोग एंगेज्ड हो अभी? वी आर डेटिंग करेंटली. डेटिंग तो यानी कि तुमने प्रपोज किया कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए? इट्स नॉट लाइक मैरिज. नो नो, नॉट द मैरिज प्रपोजल येट. आहा, तो अभी कितना टाइम हो गया? 2 साल. 2 साल. यस. तो लॉकडाउन लॉक अप के दौरान जी आप इनके साथ थी? जी, वेरी मच, टोटली. आई वाज इन दिल्ली, तो आई यूज्ड टू वॉच हर शो ऑनलाइन उधर से ड्यूरिंग वर्क. और मुझे ऐसा लगता था, पता नहीं ये क्या हो रहा है. व्हेन यू नो अबाउट लॉकअप, आप लॉकअप का पार्ट खुद में रह चुके हैं फ्रॉम द डे वन. सो आपको तो सब कुछ पता ही है लॉकअप में क्या चल रहा था, क्या नहीं हो रहा था. आई यूज्ड टू गेट सो स्केयर्ड. पता नहीं, ही इज नॉट. आई यूज्ड टू वेक अप एंड स्लीप विद हर ओनली, बट शी यूज्ड टू स्लीप इनसाइड. आई यूज्ड टू वॉच हर ऑनलाइन. तो माने तुम दिन भर लॉकअप देखते थे इनकी वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ हर. टिल द टाइम शी वॉज देयर आई वॉच्ड लॉकअप. क्या बात. अच्छा, जब अली ने एंट्री मारी थी लॉकअप में, तुम इनसिक्योर हुए थे? जेन्युइनली बोल भाई. एकदम जेन्युइनली नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई न्यू समवेयर डाउन द लाइन कि इफ एट ऑल ही एंटर्स वेयर शी इज गोना बी, शी वुडंट फील कंफर्टेबल अबाउट इट एंड शी वुडंट वांट टू ब्रीद इन द सेम प्लेस वेयर समवन डजंट मैटर टू हर. So I knew she was gonna be dead and somewhere down the line she wasn't enjoying. और ये मैंने पहले ही बोल दिया था वहाँ जाने से पहले, क्योंकि मेरे पास ये सवाल आया था कि अगर हम उसको लेकर आते हैं शो में तो क्या. तो मैंने बोला कि then I will not be a part of it, I'll not participate actively. तो जब वो आया था तो बस वही हुआ फिर कि I stopped playing, I stopped being active and then I got out of the show. पर माने कि उन्होंने पहले बोला आपसे कि they asked me a question. If he comes, then what? So I gave this answer. And जब वो आया अंदर तो भी. और मुझे लगता है सिद्धार्थ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपकी पास्ट में इतने साल पुराना एक मुद्दा हुआ हो कुछ, सो अब उसको फुल स्टॉप कैसे करें? मैं तो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ. I'm very happy in my life. Sure. And I don't want to, you know, give him importance. कहीं पे भी जहाँ पे मेरे से बात हो रही है अबाउट मी, अबाउट माई लाइफ विच इज वेरी हैपनिंग. सो हम उस डिस्गस्टिंग टॉपिक को ना उठाएं. ऐसा मुझे क्या करना चाहिए? मैं बस कह रहा हूँ कि तुम बस इस पे फोकस करो. वही कर रही हूँ बस, टोटली. क्योंकि बहुत चीजें पास्ट में आती रहेंगी. एग्जैक्टली. एंड वी कांट शाय अवे फ्रॉम इट. ऑल ऑफ अस आती रहेंगी. बट तुम्हें जैसे कहते हैं ना, यू कीप बुल्सआय, माने आप सामने बस वही फोकस करो. इट इज देयर वेरी मच. राइट लेफ्ट नहीं देखने का. नॉप. और बहुत अड़चने आएंगी बार बार. Because you can't erase your past. Yes, right. We can't. But it's just that we don't want to keep on giving importance to that past again and again. कहीं इनके past की वजह से, हालांकि मैं on camera कहता हूँ, one cannot judge anyone about their past. Absolutely. तुम्हें थोड़ा hesitancy हुई in being in a relationship with her? To be very honest, I'll tell you something. During her bidai, Big Boss and all, I was not in India. तो as such, मैं ज़्यादा TV follow नहीं करता था Indian shows. तो आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया, जब हम मिले वगैरह, तो आई हैड नो आइडिया अबाउट हर पास्ट. आई जस्ट न्यू शी वॉज एन एक्ट्रेस और शी यूज टू वर्क हियर एंड देयर. फिर बाद में कभी ऐसा मुझे समझ भी आया तो इट डिडंट बॉर्डर मी एट ऑल. एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हर, हाउ शी हैज़ बीन इन हर लाइफ एंड हाउ शी हैज़ मूव्ड ऑन एंड सच अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन शी हैज़ बिकम. पर ये बताओ कि जब तुम इनको दोस्त बनकर जान रहे थे, माय राइट, वेरी हुआ था कर्व, राइट, उस वक्त ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा इनके पास्ट के बारे में. तब भी पता चलना चालू हुआ? बता दिया था, मतलब तुमने क्लियर बता दिया? आई टोल्ड हिम एवरीथिंग. ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बताया, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ तो इंटरनेट पे है. सो आप क्या ही छुपाओगे अपने बारे में?
एंड आई गूगल्ड अबाउट हर आफ्टर मीटिंग हर, नॉट इवन दैट कि मैंने पहले से उसके बारे में कुछ स्टडी किया था, एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट हर पास्ट, एंड मेरे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता बिकॉज एवरी वन हैज अ पास्ट, ऑनेस्टली आपके आपका भी कुछ पास्ट होगा, मेरा भी कुछ पास्ट है, तो मेरा पास्ट ऐसा है कि मेरा लाइमलाइट में नहीं है, इसका जस्ट बिकॉज बींग एन एक्ट्रेस तो इसका पास्ट ऐसे सब जगह छपा हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स टू मी एट ऑल. हाउ नाइस, शाबाश मेरी शेर, अच्छा लड़का पाया तुमने यार, शेर है शेर है. तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे? ऑब्वियसली तुम उनके माता पिता से मिले हो? यस, मेरे बर्थडे के दिन अभी रिसेंटली आई थी घर पे, तो ऑन हिज बर्थडे आई वेंट एंड वहां पे मुलाकात हुई, एंड दे आर वेरी क्यूट, वेरी स्वीट. पहली बार बर्थडे में मिली थी आप? जी. और आप मिल चुकी? मैं मिल चुका हूं, आज भी अभी भी मम्मी से मिलकर आ रहा है. तो हमारे दोनों साइड के पेरेंट्स को अब कंफर्म्ड है, आशीर्वाद जो भी है वो सब ब्लेसिंग्स मिल गए? वो सब हम बताने से पहले न्यूज से ही पता चल गया. प्रॉपरली मिलना बाकी है अभी, मतलब आप समझ रहे ना, वैसे वाला आशीर्वाद बाकी है. But they know you're in a relationship. Yes, yes, very much. Right? Yes. जब तुम शांतनु से मिली थी, obviously you've gone through a lot of problems of your own. तुम कभी vulnerable state में थी इनके साथ मिलते वक्त? So, we can say it took a lot of time. बहुत ज़्यादा टाइम लगा टू यू नो मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि नाउ यू आर रेडी एंड यू कैन मूव अहेड इन योर लाइफ. और जब मैं इनको जान रही थी उस ड्यूरिंग मैंने ये सोचा कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, एंड देन इमिजिएटली आई टुक द डिसीजन ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद हिम. बट उस वक्त जब ये मिली थी आपसे थोड़ी वंडरबिलिटीज थे, बिकॉज ऑब्वियसली जब इंसान गोज थ्रू लॉट ऑफ टफ मोमेंट्स इन द प्रीवियस रिलेशनशिप, वो चार बार सोचता है या सोचती है, वो वंडरेबल थी तब? मैं जब इनिशियली उसको मिला था तो इसको मेरे पे ट्रस्ट करने को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मुझे आइडिया आ गया था कि ठीक है इसके साथ कुछ हुआ रहेगा या पता नहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज पहले हुए रहेंगे, तो मेरे पे वो टाइम ले रही है मुझे और अंडरस्टैंड करने, एंड आई थिंक दैट इज नॉट, दैट वॉज नॉट एन इशू. वी टुक टाइम, शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग मी, एंड देन इवेंचुअली थिंग्स वर सो गुड, नाउ We are with each other and आगे भी रहेंगे. How nice. But जब trust issue होता है, ये कितने time के लिए था? क्या है? कभी कभार लड़का जो होता है, इस case में लड़का बोलता है यार कब trust करोगी यार, अब तो faith कर. पर मैं आपको एक बात बताती हूँ सिद्धार्थ, इन्होंने मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया जिसपे मुझे you know ऐसा लगे कि ये मैं कहीं से you know इन पे शक करूँ, क्योंकि हमेशा video call पे हम रहते हैं, whether he is as soon as he land वीडियो कॉल्स इज ऑन. एक हमारा दो फोन रखते हैं हम, एक फोन पे हम पूरे टाइम वीडियो कॉल पे रहते हैं, इवन बाय एट नाइट व्हेन आई स्लीप वीडियो कॉल पे एक वीडियो कॉल चालू रहता है, उस पे हम सोते हैं, उस पे हम उठते हैं, एंड फोन रात भर चल रहा है. यस, वो चार्जिंग पे लगा रहता है. ऐसी मेरी माँ दो तीन बार मिली भी है उसे मॉर्निंग ऐसे में क्विल से ऐसे करके देख रही हूँ, मम्मी आई ऐसे उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा ये ऐसा तो वीडियो कॉल नहीं चालू किया, इस पे शक करते हो या ये तुम पे शक करता है देखने के लिए कौन रात को आ रहा है, ये भी तो हो सकता है. What happens with me is कि मैं इवेंट्स के लिए काफी ट्रैवल करती हूँ, एंड whereas I stay alone, तो मुझे रात को अकेले में नींद नहीं आती, सो वीडियो कॉल की हमारी वहां से ऐसी आदत लगी है कि हमेशा कॉल पे, तो अब ऐसे नॉर्मली घर पे भी जब हम होते हैं तो वीडियो कॉल चालू रहता है. आपका पास्ट रिलेशनशिप क्यों बार बार आता रहता है? बार बार आप पूछते रहते हो इसलिए बार बार आता रहता है, अदरवाइज सब कुछ ठंडा है, वो अपनी जिंदगी में है, मैं अपनी जिंदगी में हूँ, लिविंग माई ओन लाइफ वेरी हैप्पीली एंड एज यू सी. बट पता नहीं ये बार 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 नाम क्यों हर जगह शो, ऐसा नहीं है कि इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद मेरी जिंदगी में मैंने कुछ अचीव किया है. आई स्टार्टेड माई करियर विद बिदाई, देन वेंट टू बिग बॉस, सो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक पॉइंट है, ये बार 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 क्यों लोग खुरेदते रहते हैं, मेरे पास भी इस चीज़ का आंसर नहीं है. जबकि आई मूव्ड ऑन, उसके बाद भी इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, मतलब मुझे तो याद भी नहीं है, 10-15 साल हो चुके हैं इस बात को. ये चीज को एक्चुअली फुल स्टॉप के लिए ना दोनों साइड से फुल स्टॉप भी चाहिए, इट्स फुल स्टॉप फ्रॉम हर साइड. तो अगर पता नहीं व्हेन समवन नोस कि अभी ये है वो स्पेस में, क्यों अननेसेसरी क्रिएट अ कंट्रोवर्सी और अटेंशन सीकिंग स्टिंट्स क्यों करना है? अगर मैं कुछ के नाम से करो कुछ जो करना है, why do you have to get associated again and unnecessary create controversy about it? अगर मैं अभी भी कुछ भी आपसे बात करूंगी, आप उसको बुलाओगे नेक्स्ट शो में, आप उससे सवाल करोगे, तो ये फुल स्टॉप नहीं होगा, ये चलते ही रहेगा. सो आई थिंक नाउ बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है अपनी अपनी जिंदगियों में, हम खुश हैं, सो वी शुड जस्ट
put a full stop and move ahead. But अभी शांतनु ने कहा कि आपके साइड से फुल स्टॉप है. जी. वो कह रही है दूसरे साइड से. What I understood from what you were saying is full stop नहीं आया. Because अभी recently. उसके पास I think उसको कुछ ज़िंदगी में करना चाहिए जिसके लिए वो you know कुछ और टॉपिक लेके बात करे या उसको मीडिया कुछ और क्वेश्चंस करे या कुछ और यू नो ही शुड कम अप विद समथिंग रादर देन जस्ट जैसे कि आपने लॉकअप में भी देखा. ये मैं एक स्मॉल इंसिडेंट भी बताता हूँ कि हम लोग गोवा में थे. yes. तो वी वेर टुगेदर विद आर फ्रेंड्स और एक हमारा फ्रेंड का एक क्लब था तो ऐसे ओपनिंग थी तो वी वेंट देयर फॉर सम टाइम एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही वाज तो कोई ज़रूरत है कि आपको किधर और से इनसे बात करने को हाय हेलो करने की ज़रूरत है. हो गया ना जो चीज़ ख़त्म हुई है वो ख़त्म हुई है. अभी 10 साल के बाद ऑल्सो वाई डू यू हैव टू कम इन बिटवीन एंड टॉक. तो मे बी डू यू थिंक शायद वो सोच रहे कि हम दोस्ती कर सकते हैं. कितनी बार मना करने के बाद भी हजारों बार मना करने के बाद भी प्यार से चिल्ला के डांट के हर चीज़ से मना करने के बाद भी मतलब कम ऑन मैन मूव ऑन अब तो इतना वक्त हो गया मूव ऑन. बट आई डोंट अंडरस्टैंड क्या उनको एक वो प्रॉब्लम है कि वो जब भी देखेंगे फौरन आके हेलो हाय आई हेट दैट आई डोंट वांट दैट आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर एंड आई डोंट. और ऐसा कुछ हमारी रिलेशनशिप में इतना अच्छा नहीं था कि हम फ्रेंड जोन में भी रहें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई डोंट वांट टू सो माइट एज वेल जस्ट इसको यहीं ख़त्म करके आगे बढ़ते. 15 साल या 10 साल जितने भी साल हुए उसके बाद भी he's trying to get back to being in a relationship with you or just friendship. लॉकअप में शायद आपने देखा होगा कि उन्होंने जो भी हरकतें वहाँ आके की सबसे पहले तो लॉकअप में एंट्री करते ही उन्होंने ये बोला मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं आया हूँ. सो डोंट थिंक दैट आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू आई एम समथिंग और मैं इसलिए यहाँ आया हूँ. यू थिंक ही वुड हैव बीन इन लॉकअप इफ सारा वुडंट हैव बीन देयर. Do you think so? I was like, okay, fine. So just play your game. You know, neglect me. Just play your game. But again and again, आप मेरे पास आ रहे हो. आप वो खुरेद रहे हो बातें past की. आपको बातें करनी है. See, बहुत कुछ है जो मैं बोल सकती थी lockup में. But even now, I look at his family as well. And क्यों किसी को इतना degrade करे इंसान? ठीक है मेरा नहीं बना फाइन आई के नॉट बी विथ समबडी लाइक हिम आई एम नॉट विथ हिम. सो अब ऐसा तो नहीं कि किसी को मैं गिराती रहूँगी नीचे उसके बारे में बोलती रहूँगी. आई डिड नॉट से बट जितना इफेक्ट आई डोंट नो वो सब जगह बोलते रहते हैं इसकी वजह से मेरी लाइफ ये होगी वो होगी. जितना इफेक्ट इस चीज़ ने मुझे किया है आई थिंक शायद ही किसी को किया होगा. और बींग अ गर्ल आप कुछ भी कह लें कितना भी कह लें कि हमारी सोसाइटी बहुत अब बहुत ब्लंट हो गई है बहुत आगे बढ़ गए हम ये है बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम आज भी हमारी 100 साल पुरानी संस्कृतियों को ही फॉलो करते आ रहे हैं. और जहाँ एक लड़की पे अगर कुछ बात उठती है तो फिर सब लोग यू नो एक अलग ही उसको पिक्चराइज करने लगते हैं. अच्छा इसके साथ ऐसा उसकी शादी होती ओ ओ अच्छा दिस इज हाउ इट इज. फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाता देन दे जस्ट कीप ऑन टॉकिंग लाइक दैट. तो मैं बस ये चाहती हूँ ठीक है हो गया पास्ट इज गॉन आई एम सेल्फ मेड गर्ल I'm really happy in my life, working well. I'm happy with my relationship, with my family, with everybody. And I want to put a full stop with that thing. On that part jo meri zindagi mein hua, mujhe usko khatam karna hai. Kya aapko lagta hai, Danki ki chhot sawal ki, wo aapse publicity le rahe hain? Bilkul. Aur is it genuinely kabhi kabhar lagta hai ki yaar, dost ban sakte hain? Nahi, dost to wo bilkul layak nahi hai, sorry to say. दोस्त तो कभी नहीं बन सकते और मतलब मुझ जैसी लड़की उसकी दोस्त कभी नहीं हो सकती. वो बचपना था और जब मैं बहुत छोटी थी मुझ में इतना दिमाग भी नहीं था. सो जो हो गया सो हो गया. बट एज यू ग्रो एंड एज यू नो ग्रो ओल्ड यू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में आपको किस तरह के लोग अपने आसपास रखने हैं. तो इट जस्ट दैट्स इट. एंड अबाउट हिम वो आज भी ही searches the points जहाँ पे कुछ controversy उठ जाए. publicity hungry इंसान है उसको कहीं पे भी कोई भी ऐसा point मिल जाए जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तो वो foreign जैसी देखेगा media आए okay fine मैं खड़ा हो जाता हूँ थोड़ा कुछ बनेगा थोड़ा कुछ होगा. it's very annoying.